अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम दुबई। और इस वक्त दुबई में अल्बर्ट शाह में है, जैसे कि कल रात यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अब जो है वो तैयारी हो गई है, मॉर्निंग सुबह का टाइम हो गया है। तो हम जा रहे हैं कुछ चीजें प्रॉपर्टी की देखने के लिए, मेरा दोस्त भी आ रहा है। तो इतनी देर में हम चुके, अब नाश्ता करेंगे, होटल वाला नाश्ता हम स्किप कर चुके क्योंकि रात की थकन की वजह से देर से सोए, तो फिर हमने सोचा कि स्किप करें। तो अब थोड़ी सी नाश्ते की तैयारी करेंगे। नाश्ते की तैयारी के लिए मेरा रसीद तो है, लेकिन उसकी तैयारी शायद मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि कैमरा सो गया हुआ है। ये हम लोग चिकन स्प्रेड और जैम भी लेके आए हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द फ्री होने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है और अच्छा यूटिलाइज करना है। करने के लिए एक डेवलपर को विजिट करने के लिए यहाँ पर आया है और मेरे सामने जो आपको नजर आ रहा है डेरा होम, तो यहाँ पर आया, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। मेरे दोस्त आसिफ भाई के साथ आए, वो अंदर जा रहे हैं, हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे इसलिए हम पहुँच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं दुबई में और एक मशहूर डेवलपर डेनियप के प्रोजेक्ट पे, डेनियप के हेड ऑफिस पे मौजूद हैं क्योंकि लॉट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। दुबई की आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ बतानी हैं तो स्पेशली वही डेवलपर का बताऊंगा कि जहां आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो और जहां आपको डिलीवरी भी मिले। बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, वो डेफिनेटली आपको मैं इस पर टाइमलाइन पे बताता जाऊंगा और वीडियोस पे भी आप देखते जाएंगे। इन्होंने कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट भी बनाए हैं, वन बेड अपार्टमेंट भी बनाए हैं जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी जा रहे हैं जो कि इस वक्त चल रहा है। प्री बुकिंग प्री लॉन्च पे शुरू हुआ था, फिर लॉन्च हुआ, इसके बाद तो अब तमाम इन्वेंट्री ही सोल्ड आउट हो चुकी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको इनका स्टूडियो अपार्टमेंट ज़रूर विज़िट कराऊँ ताकि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। डेनियप का एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, नाम आपने सुना होगा। और अभी रिसेंटली इंडियन एक फिल्म स्टार संजय दत्त ने भी इनका ऐड किया था, उस स्पॉन्सर्ड भी चलता है, देखा होगा आपने। मैं चाहूँगा कि जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो आपको विजिट कराऊँ, आप साथ चलेंगे। ओपाल्स डेनियप के इन्होंने बाय डेनियप इन्होंने लॉन्च किया, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट, वन बेड अपार्टमेंट, टू बेड अपार्टमेंट और थ्री बेड अपार्टमेंट भी इन्होंने। अच्छा, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह पसंद आई कि एक तो ऑर्गेनाइज है, सब चीज़ें वेल प्लान्ड है। और आप जैसे मार्बल नीचे देखते हैं ना, तो मार्बल के जो रेंज हैं वो सारी मिली हुई हैं, यानी बुक मैचिंग जिसको बोलते हैं। किचन हो गया, अंदर मैंने वॉशरूम भी देखा, मुझे तमाम चीज़ें पसंद आई और ऑर्गेनाइज तरीके से हैं। अच्छा, इसमें जो इनका लॉन्चिंग रेट था वो तो खैर अब तो खैर रेट निकल गया आगे, लेकिन हम अगर आगे की बात करें तो इन्होंने जो अपार्टमेंट दिया था इसमें स्विमिंग पूल भी, प्राइवेट स्विमिंग पूल भी इसमें साथ में था। तो बहुत सारे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अच्छे डेवलपर के साथ ही हम आपको बताएंगे। अच्छा, बैक साइड पे मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊँ और कैमरामैन साथ में चलेगा बैक साइड पे और वो आपको दिखाएगा कि बैक साइड पे इन्होंने एक अच्छी शॉर्ट लॉबी समझ लें, आपका शॉर्ट गैलरी समझ लें, तो ये एक अच्छा कॉम्पैक्ट एरिया है कि जो आपको शाम में चाय पीने में या मॉर्निंग का अच्छा टाइम देने में आपको काम आए। अच्छा, नेक्स्ट मैं बाहर जाऊँगा। अच्छा, ये हम स्टूडियो अपार्टमेंट एंटर हुए हैं, मतलब एंटर होते साथ आपको लेफ्ट पे तो वॉशरूम मिल रहा है और वॉशरूम का साइज़ भी अच्छा है। अगर आप एक स्टैंडर्ड अब आ रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट में, आप लेफ्ट साइड पे आपको मेरे लेफ्ट साइड पे आपके राइट साइड पे आपको किचन भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, एक बड़ा अच्छा साइज़ है, देखें अगर
है ये बड़ा कॉम्पैक्ट है और सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप प्री लॉन्चिंग पे ले रहे होते हैं तो आपको जो है वो ये कंप्लीट फर्निश भी मिलता है, लेकिन लॉन्चिंग के बाद फिर टाइमली रेट्स की चेंजिंग होती है और फिर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बेडरूम की तरफ मैं आपको लेके जाऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये वो बेडरूम, ये वो अपार्टमेंट्स हैं कि जब आप परचेज़ करते हैं आपकी जहन में एक चीज़ होती है कि यार मेरे पास बजट नहीं है, एक बेडरूम अपार्टमेंट आ रहा है लेकिन मुझे चाहिए दो बेडरूम क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं साथ में, तो आपको थोड़ा सा सेपरेट एरिया चाहिए होता है। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि वन बेडरूम अपार्टमेंट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू अपार्टमेंट, टू बेडरूम। तो इसमें यह है कि आप जैसे सीलिंग देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सीलिंग यहाँ पर इन्होंने एडिशनल सीलिंग की है, उसमें एडिशनल आपका एक्सपेंस ये आता है कि आपने एक सेपरेटर लगा दिया, वुड का सेपरेटर लगा दिया, उसमें ये कि आपका ये एक जो इस वक्त लाउंज है वो आपका एक बेडरूम हो गया, वो आपने बच्चों के लिए रख लिया, इट्स यानी बहुत अच्छा स्पेस है। अगर आप देखिए कराची के कई ऐसे अपार्टमेंट्स हैं कि जहाँ पर तो सिर्फ बेडरूम ही इतना होता है कि बड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये बड़ा अच्छा है। फिर आपको ये एक डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, साथ में आपको किचन मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं बेडरूम में अगर जाता हूँ तो बेडरूम का भी एक स्पेस अच्छा है और किंग साइज़ बेड के साथ आपके ओवरऑल जिस तरह आप घर को डिज़ाइन करते हैं और ये अच्छा है। फिर साथ में वार्डरोब दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ वार्डरोब की यूजुअली ज़रूरत पड़ती है और अगर आप वार्डरोब को रिमूव करते हैं तो आपको बेडरूम का स्पेस बड़ा अच्छा मिलता है और सेंट्रल एयर कंडीशन होता है यार। अच्छा, इसके अलावा फिर वॉशरूम पर जाएँ तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि कोई भी घर का अगर आपको जाँचना हो, डेवलपर को जाँचना हो, तो वो उसके बाथरूम के डिज़ाइन से आप कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा साइज है, शावर बाथ का एरिया अलग है, कमोड का एरिया अलग है और वैनिटी अलग है, तो बड़ा कॉम्पैक्ट और बड़ा अच्छा अपार्टमेंट है। व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि आपको टू बेड अपार्टमेंट भी इनका दिखाऊं और डेनियप प्रॉपर्टीज़ की जानिब से जो लॉन्च किए जा रहे प्रोजेक्ट हैं, मैं चाहूँगा कि दुबई में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो अच्छे डेवलपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो टाइमली डिलीवर करे। बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। टू बेड अपार्टमेंट मैं चाहूँगा वो भी आपको विजिट कराऊँ। थोड़ा सा यहाँ पर अंदर आएंगे तो आपको थोड़ा सा वेल डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। आपके लेफ़्ट साइड पे, वीडियो के लेफ्ट साइड पे काउंटर टॉप वाले आपको किचन मिलता है जो कि बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज है। यानी आप टू बेडरूम अपार्टमेंट में अगर आप यूजुअली कराची में लेते हैं तो कराची में इतना अच्छा स्पेस और इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज मिलना बड़ा आपको मुश्किल होता है। अच्छा, फिर एंटर हुए तो लेफ्ट राइट साइड पे जो है वो आपको पाउडर बाथ मिल रहा है, तो पाउडर बाथ में कि वैनिटी और अच्छा यहाँ जो डिज़ाइन है वो बड़ा प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। अच्छा, इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो टीवी लाउंज, उसका स्पेस अच्छा है और असल चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने घर को फर्निश किस तरह किया है। अच्छा, अगर स्पेस अच्छा निकला हुआ हो घर का और फर्निश ना हो तो अच्छा नहीं लगता, अगर फर्निश अच्छा ना हो, स्पेस अच्छा हो तो भी घर लुक नहीं देता, तो इक्वली आपको चीज़ें रखनी पड़ती है। अच्छा, जब एंटर हुए अपार्टमेंट में तो देखें दो थोड़े से सेपरेट एरियाज़ हैं, लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम है, राइट साइड पे एक बेडरूम है, तो मैं शुरू करूँगा अपने राइट साइड से। आइए, अच्छा इस बेडरूम का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, किंग साइड बेड है, यहाँ से आपको एक अलग सेपरेट एरिया मिल रहा है ये, क्योंकि यहाँ से पूरा अगर आप जाते हैं ना तो वो कनेक्टेड बेडरूम है, यहाँ से जाते हैं तो कनेक्टेड बेडरूम है। इसको आप स्वीट रूम भी कह सकते हैं, इसको आप यहाँ से भी सेपरेट लगा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अब्दुल असीफ को कहूँ कि वो साथ में आए तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ, और मार्केटिंग के लिए इन्होंने आप यहाँ पर विलाज भी शो किए हुए हैं। अच्छा, ये पीछे से छोटी सी स्ट्रीट आ गई जो कि आपको लेकर जाती है टू द अदर बेडरूम। इस बेडरूम को मैं यहाँ बैक साइड से शुरू करता हूँ और इस बेडरूम में भी जाते हैं तो बड़ा बेडरूम का अच्छा साइज़ दिया हुआ है और किंग बेडरूम, यहाँ पर भी किंग बेडरूम साइज़ है। यूजुअली कराची की जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें किंग बेडरूम, आजकल के जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं डेवलपर्स के, उसमें साइज़ होता है 800 स्क्वायर फीट होता है, 900 स्क्वायर फीट होता है, उसमें दो बेडरूम भी निकाले हुए होते हैं, लाउंज भी निकाला होता है, तो उसको कवर करना और किंग बेड के साथ आपको रूम को डिज़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। इसी के साथ यहाँ पर वॉशरूम है और वो भी अच्छे स्पेस में बनाया हुआ है और वैनिटी है यहाँ पर, सैनिटरी वगैरह तो उन्होंने मिलानों की लगाई है लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली कराची में इस तरह नहीं चल रहा होता। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं एरियाज और दो बेडरूम जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्च और किचन, तो बड़ा अच्छा स्पेस इस घर का और अच्छे फर्निश से अच्छा डिज़ाइन करते हुए उसको कवर अप किया है। तो ये था एक घर का डिज़ाइन, बट एक चीज़ मैं मिस कर गया, बैक साइड पे बालकनी है और बालकनी अब मैं खोलूँगा तो वो शाम का एरिया पूरा आपको नज़र आएगा शाम, लेकिन ये बालकनी का एरिया है, बालकनी का एरिया भी अच्छा दिया हुआ है, तो पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अपार्टमेंट है
जो कि अच्छे डेवलपर्स के साथ आप जा सकते हैं। होपफुली डेनियप की प्रॉपर्टी ये आपको अच्छी लगी होगी। दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आपका रियलेटर अच्छा हो। तो अगर आप प्रॉपर्टी की सर्विस लेना चाहते हैं दुबई में भी, कराची के साथ साथ दुबई में भी, तो आई एम अवेलेबल। हम आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह काम करेंगे और मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे मेरे साथ काम करेंगे। तो इंशाल्लाह लॉन्ग जर्नी में हम साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।